सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं संवाद। 8 मार्च के दिन पूरे दुनिया भर में वुमेन्स डे मनाया जाता है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो 8 मार्च ही क्यों, हर दिन औरतों के लिए सम्मान और प्यार भरा होना चाहिए। और हमने इसीलिए पूरे गुजरात भर से उन सभी औरतों का, उन सभी वुमेन्स का एक एपिसोड बनाया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बुलंदियों को हासिल किया है। तो आज इस एपिसोड में हमारे साथ हैं तन्वी शाह। तन्वी शाह जो कि IAHM की डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने साथ कई और लड़कियों की जिंदगी को नया आयाम दिया है। तो तन्वी जी, मुबारक हो आपको, आपने एक बहुत ही अच्छी बुलंदी को हासिल कर चुकी हैं आप। और वुमेन्स डे के दौरान जब हम ये वुमेन्स वीक मना रहे हैं, तो एक एरा, कोरोना का एरा पास किया आपने और आप एक बिजनेस में है, व्यवसाय में है, जब बहुत सारे व्यवसाय ठप होते गए, तो आपको कभी एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि आपने जो मुश्किल से और मेहनत से जो मुकाम को बनाया है उसमें कहीं तकलीफ ना हो जाए? थैंक यू विवेक जी फॉर द लवली इंट्रोडक्शन एंड आई एम रियली ग्लैड टू नो दैट यू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। यस डेफिनेटली व्हेन द लॉकडाउन हैपेंड वी वर आल्सो वरीड दैट हाउ एज वी आर इन द एजुकेशन बट वी आल्सो हैव द फाइनेंशियल बिजनेस रिस्पांसिबिलिटी। सो इन द मंथ ऑफ मे जो हमारे दूसरे डायरेक्टर हैं, उन्होंने और हमने एक मीटिंग की और हमने सिर्फ डिसाइड किया कि हम इस साल स्टूडेंट्स फीस पे कर पाए या ना कर पाए, पर हम जो पर्पस, हमारा जो पर्पस है पढ़ाना, तो हम पढ़ाएंगे। और हमने ये एक छोटा सा, हमें पता नहीं था कि हम सर्वाइव करेंगे कैसे करेंगे, बट वेरी फ्रेंकली हमें इतनी दिक्कत नहीं आई बिकॉज हमने पहले अच्छे से पढ़ाया था और हमने पढ़ाना हमारा कंटिन्यू रखा, तो चीज़ें नॉर्मल होती गई। एंड देन नवंबर वी वर बैक टू अवर रेगुलर बिजनेस एंड इट वाज ऑल थिंग्स वर फाइन। यस, पर हम पढ़ाते रहे, हमने बस एक चीज़ डिसाइड की कि हमारा काम है पढ़ाना, तो हम फीस भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएंगे और हमने ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं। मैं तभी एक दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा कि एक महिला होने के नाते हिंदुस्तान एक पुरुष प्रधान समाज है जहाँ पर जो पुरुष होते हैं उनको अव्वल माना जाता है जी। आपने बिजनेस अपना खुद का एस्टैब्लिश किया, तो क्या तकलीफ आई और क्या कभी ऐसा लगा कि एक महिला होने के नाते इस समाज में कहीं आपको तकलीफों का भी सामना करना पड़ रहा है? So there are two angles to it. Yes, I was called over ambitious, but in my heart it was not an over ambition. मुझे सिर्फ तमन्ना थी कि मुझे कुछ अच्छा काम करना है, मुझे जो God by God's grace मुझे जो abilities मिली है उसको मुझे use करके कुछ अच्छा काम करना है। So there are two angles. Yes, initially as a female I was told that no, you should get married, you should not be so very ambitious, your priority should be marriage. But there is another angle. What is the another angle? Being in Gujarat, my father always gave me very good education, and same time my male colleagues, my male business associates, they always supported me. Maybe because I'm in Gujarat, a land where there is no gender, inequality. So yes, in opportunity wise, if I talk about my male colleagues, if talk about my father, everyone always supported me. आपका जो institute है, वो aviation industry से भी जुड़ा हुआ है। जी। Aviation industry में ऐसा माना जाता है कि महिलाओं की जो भागीदारी होती है, वो ज़्यादा होती है। जी। तो इस दौरान आप कई लड़कियों के लिए मेंटर भी रहे होंगे, कई लड़कियों को कुछ सिखाते भी होंगे, तो उन लड़कियों की क्या उम्मीद होती है, उन्हें क्या एक्सपेक्टेशन है इस समाज से? क्योंकि एक समाज बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है हमारे बच्चों को, लड़की हो या लड़का हो, उसे आगे बढ़ने के लिए। मगर एविएशन इंडस्ट्री में आप किस तरह से मेंटर करती हैं, किस तरह से लड़कियों को प्रोत्साहित करती हैं आगे बढ़ने के लिए? स्टूडेंट्स, जो भी फीमेल स्टूडेंट्स आती है, वो सिर्फ एक चीज़ बोलती है, मैम हम आपके जैसे कैसे बन सकते हैं।
आर नॉट ऑलवेज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली बट वुमेन टुडे आर वेरी डिटरमिंड एंड मोर हार्ड वर्किंग देन द बॉय स्टूडेंट्स सो जनरली व्हाट आई सी इवन इफ यू सी इन द क्लासरूम women जो girl students हैं they are more dedicated, more determined and if the students who are determined they make their way. So yeah, and nowadays parents are also supporting. The things are changing. महिला दिवस और महिला सप्ताह जो संवाद ने फैसला किया मनाने का तो मैं संवाद के दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि जरा आत्मचिंतन करें कि क्यों महिला दिवस मनाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे जीवन में हर एक दिन ऐसा होता है जहाँ हमारी माता हो गई या हमारे घर में होम मेकर हो गई तो स्त्रियों का जो योगदान है तो एक विशेष दिन ही क्यों नहीं तन्वी जी एक विशेष दिन ही क्यों क्योंकि समाज में हर दिन हमारे महिलाओं का जो इम्पोर्टेंस है उसे हम नकार नहीं सकते It is part of the society, yin and yang energy. So the way males are important, the same energy and same existence of women also is important. But I'm glad friends like you and media house like you are supporting and things are changing and it will be better in future. आप संवाद के माध्यम से जो हमारे फीमेल व्यूअर्स हैं या आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे क्योंकि हमारा समाज की जो संरचना है जो हमारा समाज बना है इतने सालों से कुछ कमियां हैं सुधारने की जरूरत है तो आप क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं से उन लड़कियों से जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं आसमान की बुलंदियों को छूना चाहती है मगर जो समाज में कमियां है उन्हें रोकता है तो क्या कहना चाहेंगे आप So I call the obstacles as mighty ways. You know, it makes you more determined. So my message will be: have a vision. आप एक अपना vision बनाएं और उसके लिए एक अच्छा purpose होना चाहिए और डटे रहें, be determined. So determination, hard work always finds a way. And determination. So the harder you work, the luckier you get. So my message to all the female students, even the elderly females, housewives, have a vision. कोई छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा purpose काम करते रहिए and अपने आप को vision देते रहिए. Determination and hard work will find their way. अब हवाएं ही करें कि रोशनी का फैसला जिस दिए में जान है वो दिया रह जाएगा. Yes, exactly. मैं संवाद के माध्यम से लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया था महिला दिवस पर कम से कम हम उसको सार्थक करने का एक प्रण ले सकते हैं और ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारे समाज की जो लड़कियां हैं जो महिलाएं हैं उन्हें समाज में कभी भी तकलीफों का या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना नहीं पड़े तन्वी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े और संवाद से जुड़े रहिए नमस्कार जय हिंद